सो हेलो कैप्टन सबान बैंड, आज के शो में आपका स्वागत है। एंड एज आई प्रॉमिस्ड, बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रांसफर न्यूज है एंड दैट टू फ्रॉम अ वेरी इंटरेस्टिंग सोर्स व्हिच इज ऑफन रिलायबल। सो देखना पड़ेगा इफ दिस कम्स आउट ट्रू और नॉट। सो गाइस प्लीज, हर शो के शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप एक भी इंडियन फुटबॉल का कंटेंट मिस ना करें। एंड ऑल्सो यू कैन बिकम एन मेंबर ऑफ आर्म बैंड बाई क्लिकिंग द ज्वाइन बटन एंड गेट ऑल द बेनिफिट्स रिलेटेड टू इट। जस्ट क्लिक द ज्वाइन बटन एंड यू कैन सी। बट अगेन, subscribing is free, so please subscribe our channel so that you don't miss a single content. अब आता हूँ इस न्यूज के बारे में। ये न्यूज है कि फॉर्मर लीगा आ और यूरोपा लीग स्ट्राइकर इद्रिस सादी, जो राइट नाउ पिछले कुछ सालों में लीगा प्रोफेशनल खेलते थे, लीगा प्रोफेशनल मतलब द लीग ऑफ अल्जीरिया, वहां पे उन्होंने पिछले कुछ सालों में खेला है, हु इज नाउ अ फ्री एजेंट एंड ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेड इन लीगा, कूप दे फ्रांस, लीग टू, यूरोपा लीग, ये सब टूर्नामेंट खेल चुके हैं। वैसे स्ट्राइकर्स को टारगेट कर रही है आईएसएल वाले क्लब्स। एंड राइट नाउ नाम हमें नहीं पता चला, बट द रूमर इज दो आईएसएल क्लब्स उनको ट्रैक कर रही है, अपना ऑफर भी उन लोगों ने दिया है। विच टू कैन बी क्लब्स कैन बी इट, मेरा जो प्रेडिक्शन है, आई हैव एक्चुअली थ्री प्रेडिक्शंस। पहला प्रेडिक्शन है एफसी गोवा, हु आर लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर एंड स्ट्राइकर फ्रॉम यूरोप। हाँ, ऐसा एक न्यूज आ रहा था कि दे आर गोइंग फॉर समवन हु इज फ्रॉम the Spanish league, but again Idris Sadi sirf is a very big name in that regard because he is only 31 year old and he has played for some of the biggest clubs. Unka jo record hai, he has scored a lot of goals, he is mainly a striker but can play as a right wing or support striker. So FC Goa jaise team jahan pe players hybrid role mein khelte hai, he can be a very good name. Second is Kerala Blasters, jo striker ka khoj kar raha hai. Again, they are linked to Alvaro Vasquez, but according to Marcus, the news is untrue. But according to other source, it's a true news. हमें नहीं पता. So in that sense, Idris Sadi can be a very good name for Kerala Blasters as well. So these are my top two prediction. और एक team को मैं wild card रखा है, who can be that team जो team ले आते हैं from the seas of the Morocco and the Middle East as well. वो है Chennai FC. Chennai is my third choice. They can go for Idris Sadi. बट थोड़ा सा इद्रिस सादी के बारे में कुछ थोड़ा बोलना भी पड़ेगा टू सो यू गेट दैट हाउ व्हाट अ बिग प्लेयर ही इज। वो किन किन क्लब में खेल चुका है सुनो। ही हैज स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम द यूथ सेटअप ऑफ सेंट आतिया। सेंट आतिया वही क्लब जहां पे पॉल मैंने फ्लोरेंटिन पोगबा एक समय खेलते थे, बट अगेन इद्रिस सादी इज अ मोर रिनाउंड नेम इन दैट रिगार्ड। इस सेंट आतिया में खेले है, देन ही मूव टू सेंट रेम्स, सेंट रेम्स में लोन में गए थे, आफ्टर दैट ही मूव टू अजाचियो अनदर फ्रेंच क्लब, उसके बाद क्लेरमंट फुट से ट्रांसफर डील में ही वेंट टू कार्डिफ, वो भी इन द चैंपियनशिप, कार्डिफ से टू बेल्जियम इन केवी कॉटरेज, फ्रॉम बेल्जियम आर स्ट्रैसबर्ग, स्ट्रैसबर्ग से सर्कल ब्रूज, फिर से बेल्जियम। ही इज मोर ऑफ अ जर्नीमैन स्ट्राइकर। उनका लास्ट क्लब था सीआर बेलुजदाद, फ्रॉम एससी बास्तिया से वो सीआर बेलुजदाद में गए थे, विच इज अ मोर अल्जीरियन क्लब इन दैट रिगार्ड। एंड ही इज अ जर्नीमैन स्ट्राइकर जिनका फिजिकल प्रेजेंस है, हु इज अ वेरी गुड प्लेयर, टॉल प्लेयर। अगर आप उनके वीडियोज भी देखो, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु इज वेरी फिजिकली डोमिनेटिंग, कैन हेल्प द टीम इन दैट रिगार्ड। हाई हाई ब्रो, एनी न्यू अपडेट ऑन मार्क एफ सी गोवा मोहम्मद? राइट नाउ आई डोंट हैव एनी अपडेट ऑन एफ सी गोवा। एक चीज समझ लो, इफ इद्रिस सादी कैन बिकम सम टाइप ऑफ अ रूमर, क्योंकि देखो एफ सी गोवा स्ट्राइकर की खोज कर रहे हैं very much, they want a striker. So is this the man that they are looking for? We have to look, but if koi concrete news agar aata hai, I will surely come with that concrete news, so don't worry. KBZFC is looking for a hybrid player, Navneet, and actually that is why I think this can be the actual type of player. Mujhe lagta hai Kerala Blasters is one of those players, because Kerala Blasters, FC Goa, ye do team striker ki khoj mein hai, ye hum sabko pata hai. So Idris Sadi can be that type of a player, and 31 year is that exactly that age group that Kerala Blasters generally targets. Kerala Blasters ko ye age group bahut pasand hai, so Kerala Blasters can genuinely be a club who can want someone like Idris Sadi. Any update OFC? Right now no update on OFC. CSK or GT final mein, I will say CSK because I am a KKR fan and I don't want anybody to equal our two IPL winning records. So CSK winning it 5 doesn't matter, we actually get the promotion to become the second best team in IPL. Yeah. Is he coming in ISL? Yes, he can come. There are two offers, concrete sources, अच्छे sources से ये news हमें आ रहा है कि वो दो ISL clubs ने उनको offer किया है. Which two? मेरे prediction में might be FC Goa, Kerala Blasters, Chennai. तीन clubs जो they are looking for a player who can
play that role of a striker. So these three can clubs can easily be the fighting for it. Is he in FC Goa? Is FC Goa targeting? Might be the one of the two clubs because FC Goa needs a striker. Belgium connection for Ivan Vukomanovic again. मैं बार बार बोल रहा हूँ, the one of the two reasons why I named to this club is, देखो ये जो market है ना, European market is a very good market for FC Goa, और ये जो market है, that is the Eastern European market, that is the market for Ivan Vukomanovic, और Ivan Vukomanovic इस type के player, especially the 30-31 year olds, tall, lanky striker with physical presence, Alvaro Vasquez को ही देख लो ना, tall, lanky striker with physical presence, hybrid, multiple role में खेल सकते हैं, can constantly change position. Absolutely a player tailor-made for Kerala Blasters if they can get him. So right now, only 30, I'm sure the same player in India, much younger than him, scouting and coach you need. Actually, Vincent, it is. Indian players are good. Indian players can play that role and all those things. But again, hum dekhte hai ki teams generally foreign strikers ko lene ki koshish karte hai. And one of the reason is that ki wo ek position aisa hai na, nobody wants to take a risk in that position. Agar team goal nahi karti, it's very hard for them to win. So I think it will be very interesting to see. But again, Idris Sadi, 31 year old, ek foreigner ke liye is prime years. 3 saal khila ho apne team mein, ek player jo Europa League khel chuka hai, has played in the championship, has played in the Liga, has played in the Belgian Juniper League. Ek aisa player hai who knows how to score goals. और सेकेंडली है वो ऐसा प्लेयर, इंडिया में ऐसे प्लेयर्स बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं जो फिजिकली डोमिनेटिंग नहीं होते हैं, बिकॉज दे एक्चुअली गेट मैन हैंडल्ड, दे एक्चुअली गेट फिजिकली डोमिनेटेड. सो एक बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है इदरीस सादी. ही इज अ वेरी वेरी टॉल प्लेयर. ही हैड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज 1.80 मीटर ऑफकोर्स, एंड वन ऑफ द प्लेयर इज ही हैज प्लेड इन सो मेनी क्लब्स. और एक चीज जो मुझे अच्छा लगा, अल्जीरिया का टेम्परेचर और वेदर इज समवट रिजेंबल टू इंडिया, सो उनको यहाँ पे आके सेटल होने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, ये मैं जो बार बार कहता हूँ हर एक वीडियो में नए फॉरेनर के बारे में, सेटल होना एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं, रॉय कृष्णा जैसे, डेविड विलियम जैसे, और कुछ बहुत ही अच्छे प्लेयर्स एडम लेफोंडे जैसे टेम्परेचर में आके, कंडीशन में आके सूट नहीं कर पाते. सो यू हैव ऑलवेज हैव टू कीप दैट माइंड, यू हैव टू कीप प्लेयर्स. Bro, can we say FC Goa is success? FC Goa is a very successful franchise, not only a very successful club, but also a club which has some values, youth ke upar bahut invest karte hai. They are one of those teams as well. Club looking for foreigner earlier this season, especially KBFC. KBFC aur FC Goa dono hi striker ke khoj mein, isliye mujhe jab bhi mujhe ye naam mila, Idris Sadi, मुझे इन दो टीम्स के याद आया, बिकॉज इवान वुकोमानोविच और मैनोलो मार्केज दोनों ही पसंद करते हैं playing players in the center forward position, जो बहुत लंबे चौड़े हो, जो physically तगड़े हो, can play in multiple position, जैसे इदरीस सादी right wing, support striker, striker, false nine, number nine, prime number nine, poacher, वे सब खेल सकते हैं. He can play that prime number nine कोई position है, but again poacher वो खेल सकते हैं. He absolutely can do that thing. That's why. और एक team का नाम मैं जो बोलूँगा, जो बहुत अच्छे players मिली से लाते हैं, and who is in the race, I think. Maybe Chennai NFC can be that team. Chennai के पास बहुत सारे players हैं जो वो look forward करेंगे, because Chennai NFC has a very serious trouble. Most of their top players can leave the club if they don't do something this summer as well. Are you sure he will come in ISL? भाई आ तो सकता है. He is right now a free agent. So जिस भी club उनको लेगा पैसा तो नहीं लगेगा. So मुझे लगता है he can come. Moroccan players have settled very well in India. Absolutely French Moroccan player है, Hugo Bumu settled very well. And yeah. And also the Middle Eastern players, Nasser Al-Khayati and all those guys, they have settled pretty well in India. Idris Sadi can actually follow that suit without a doubt. His name is Idris Sadi. IDRISSSAADI. Idris Sadi. Bahut interesting naam hai. You guys can look forward to it. Can be one of those players. Kya North East is fight mein hai? Mujhe nahi lagta North East is fight mein hai. Kyunki North East needs to get their Indian core settled first. और उनके पास they already have a very 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 good striker, so वो नहीं जाएंगे. जमशेदपुर may not be the club. They have Chima Chukwu and also Scott Cooper जैसे एक coach. He will most probably go and buy players from the Asian market as well, the foreigner especially. So this is something I think is pretty much possible in that regard, जो मुझे personally लगता है. So let's now see what can happen. So guys, if you have any questions, absolutely any questions, you can ask me right now. नहीं तो फिर मिलेंगे कल दोपहर को शो लेके. If I get some transfer news की देखो भाई, transfer news तो slow हो गए हैं.
ट्रांसफर न्यूज बहुत कम आ रहे हैं, सो वेन एवर आई गेट द ट्रांसफर न्यूज वट एवर बी द सिचुएशन आई टू ट्राई टू मेक अ वीडियो. सो व्हाट्स द मार्केट वैल्यू? मयंक मार्केट वैल्यू नहीं बोल सकते क्योंकि द प्लेयर इज एक्चुअली फ्री एजेंट. सो फ्री एजेंट प्लेयर का मार्केट वैल्यू तो नहीं होता, कभी नहीं होता. बट अगेन उनका लास्ट जो ट्रांसफर हुआ था दैट टुक प्लेस विद अ 4 करोड़ मनी अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर मार्केट. और ट्रांसफर मार्केट जो बोल रही है इज हिज मार्केट वैल्यू इज 3.2 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर मार्केट. सो इसको भी हमें देखना पड़ेगा, इज दिट दैट, बिकॉज ट्रांसफर मार्केट चेक इज करियर द वे आई सी प्रॉब्ली अ वेरी गुड बिजनेस टू गेट मनी एट द एंड ऑफ हिज करियर. मे बी अगेन एक चीज मैं बोल दू, वेन एवर यू सी द स्टैट ऑफ अ प्लेयर एंड स्पेशली फ्रॉम अ फॉरेन लीग बहुत हार्ड है जज करना, बिकॉज वो प्लेयर शायद एक टैक्टिकली बेटर लीग में खेलता होगा या फुटबॉल वाइज एक बेटर लीग में खेलता होगा. ही माइट एक्चुअली सूट वेरी वेल इन अ लीग लाइक इंडिया वेर इट्स अ ग्रोइंग लीग, एक लीग जो ग्रो कर रहा है स्लोली बट श्योरली. ऐसे लीग में ही कैन मेक हिज नेम, ही कैन एब्सोल्युटली बी दैट गाई. सो गाइज आज के लिए इतना था कि फिर मिलेंगे कल, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप एक भी इंडियन कंटेंट फुटबॉल कंटेंट मिस ना करो. एंड लास्टली बट श्योरली गाइज ज्वाइन बटन है वहां पे आप क्लिक कर सकते हो, यू कैन बिकम अ मेंबर एंड कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एज वेल. सो गाइज फिर मिलेंगे कल दोपहर को, कल रात को लेट्स सी कल दोपहर को तो मैं श्योर आऊंगा. सो टाटा बाय बाय.